तो हेलो दोस्तों, नाइक टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सैमसंग का जो J7 मॉडल है उसका FRP रीसेट कैसे किया जाता है वो करके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो FRP प्रोसेस है, ये FRP प्रोसेस करने के लिए हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी लैपटॉप या फ्लैशिंग टूल या अनलॉक टूल यूज़ नहीं करेंगे। चलिए बिना वक्त जाए के अब शुरू किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए नाइक टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल है ये मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसका टॉक बैक ऑन हो चुका है। ये टॉक बैक को मैं डिसेबल कर देता हूँ पहले। तो ये ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये पुराना जो आपका ईमेल आईडी है वो मांग रहा है, यानी कि अभी ये FRP लॉक कंडीशन पे है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा जो वाईफाई है वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन पहले किसी ने ट्राई किया होगा FRP अनलॉक करने के लिए, तो इसीलिए टॉक बैक बार बार ऑन हो रहा है। तो मैं इसीलिए प्रॉब्लम भी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ इसको। कनेक्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये जो स्टेप वगैरह होता है सेटअप करने के लिए, ये सब दिखा रहा है। मैं एक्सेप्ट और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है, ऐड नेटवर्क करना है। ऐड नेटवर्क करने के बाद कुछ भी टाइप करना है और उसके ऊपर दबा के होल्ड करना है, ठीक है। और ये जो असिस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं, ये गूगल असिस्टेंट का जो पेज है ये आ चुका है। इसमें क्रोम टाइप करना है आपको, क्रोम। ये मैंने क्रोम टाइप किया, क्रोम आ गया है। तो ये क्रोम ओपन होने के बाद, ये आप देख सकते हैं, क्रोम ओपन होने के बाद आपको FRP फाइल स्लैश बाईपास इसमें टाइप करना है। FRP फाइल स्लैश बाईपास। तो ये टाइप करने के बाद आपको जो फाइल है FRP का वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एकदम ऊपर वाला जो साइट है ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से जो फाइल होगा फाइल डाउनलोड करूँगा। जो गूगल अकाउंट मैनेजर और FRP रीसेट का जो फाइल है वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो अकाउंट मैनेजर है, आपको परमिशन वगैरह सब दे देना है। और ये हमारा जो बाईपास का फाइल है FRP बाईपास का, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद जो अपना गूगल अकाउंट मैनेजर है उसको पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोनों फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आपको जो गूगल अकाउंट मैनेजर है, जैसे मैंने बोला था, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। पहले इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको जो नॉर्मल FRP का फाइल है, FRP वाला फाइल को इंस्टॉल करना है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, FRP का जो FRP बाईपास का जो फाइल है वो मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन होने तक आप वेट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद ब्राउज़र साइन इन में जाना है और इसमें ओके दबा देना है, ठीक है। ओके दबाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना कोई भी मेल आईडी यहाँ पर डालना है। कोई भी मेल आईडी आपको डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर, मेरा एक मेल आईडी होता है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ FRP के लिए, तो मैं यहाँ पर वही मेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और मेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका पासवर्ड डालना है और साइन इन कर देना है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर।
तो ये आप देख सकते हैं साइन इन होने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है आपको साइन इन। साइन इन होने के बाद ये स्क्रीन पूरा चला जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीबूट करना है, यानी कि रीस्टार्ट करना है फ़ोन को। पावर को प्रेस करके यहाँ पर आपको सिंपली रीस्टार्ट कर देना है। और रीस्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पर तो फोड़ आउट कर देता हूँ क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट होने में वक्त लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं ये मैं अच्छी तरीके से सेटअप कर लेता हूँ। पूरा सेटअप होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी, जो पहले FRP वाला फंडा दिखा रहा था वो FRP वाला फंडा अभी फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर FRP वाला कोई भी फंडा अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पूरा सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ऐप इंस्टॉलेशन वगैरह दिखा रहा है इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा फ़ोन है ये पूरा एकदम ऑन हो चुका है, यानी कि इसका जो FRP था FRP रिमूव हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको सेटिंग पे लेके चलता हूँ दिखाने के लिए। ये देखिए अबाउट फ़ोन का जो सेक्शन है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एंड्रॉयड वर्जन और डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैं दिखाने के बाद आपको लेके चलता हूँ जो हमारा रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग जिसको बोला जाता है, यानी कि रीसेट जिसको बोला जाता है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये फ़ोन को रीसेट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इस फ़ोन को हम रीसेट करेंगे। मैं यहाँ पर एक फंडा आपको दिखा देता हूँ, आप बैकअप को ऑन करके ऑटोमेटिक रिस्टोर को ऑफ करके फिर बैकअप को ऑफ कर सकते हैं। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर जाके फैक्ट्री रीसेट करना है। ठीक है, ये मैंने रीसेट का बटन दबा दिया। यहाँ पर भी थोड़ा सा वक्त लगता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड आउट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फिलहाल टॉकबैक भी ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने नेटवर्क ऐड नहीं किया फिर भी ये स्किप हो गया, यानी कि FRP तो रिमूव हो ही चुका था। तो आपका नया वाला फ़ोन जिस तरीके का सेटअप होता है उस तरीके का ही सेटअप होगा। आप सेटअप कर लीजिए तो आपका फ़ोन पूरा वर्किंग कंडीशन पे आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने जो प्रोसेस दिखाया आप लोगों को, जो प्रोसेस आप लोगों ने देखा वो प्रोसेस अगर आप एकदम फॉलो करेंगे तो आप FRP का प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने J7 जो मॉडल है उसको कैसे अनलॉक किया हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।